नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरन प्रकाश सिंह खाती रसायन विज्ञान में कार्यरत हूँ। मेरे दिमाग में एक्चुअली एक आइडिया आया था आज, तो मैंने सोचा क्यों ना इस आइडिया को अमली जामा पहना जाए। देखिए, विशेष रूप से ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे अपने विद्यार्थियों का ध्यान आया। चूँकि मैं एक अध्यापक हूँ, रसायन विज्ञान का प्रोफेसर होने के नाते, मेरे दिमाग में अपने विद्यार्थियों के प्रति कुछ करने की भावना हमेशा जागृत होती है। तो इसी प्रकार मैं आज जब बैठा था, चिंतन मनन कर रहा था, सोचा एक वीडियो बनाऊं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ये चल रही है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। और इस NEP को आगे बढ़ाने में और इसको प्रारंभ करने में जो विशेष रूप से हमारी सरकार का योगदान रहा, केंद्रीय सरकार का योगदान रहा, और इसमें जो NEP में हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री कहें या हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहें, उसमें माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी टीम का बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरे मेहनत से, पूरा डेडिकेशन के साथ इसको बनाया। और माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से बिलोंग करते हैं। चूँकि हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल और जौनसार और कुमाऊँ ये विशेष रूप से होता है, और प्लेन्स का कुछ इलाका, तो हमारे उत्तराखंड से माननीय पोखरियाल जी बिलोंग करते हैं। और आप यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हरिद्वार से सांसद भी रहे हैं, तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। और उसके साथ साथ हमारा जो उत्तराखंड है, ये पहला राज्य है आज देश में जहाँ NEP 2020 ये लागू किया गया। इसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी ये शुरू किया था, लॉन्च किया था अभी 16 अक्टूबर 2022 को ये प्रारंभ किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर 1, NEP बहुत बढ़िया सिलेबस है। इसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इसमें इम्प्रूव होगा, और इसमें तमाम चीज़ें, एक आइडियोलॉजी आपके अंदर विकसित होगी, क्योंकि इस पर मॉरल करेक्टर पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें गीता भी समावेश की है इस सिलेबस में, यानी आप गीता भी पढ़ेंगे, आप रामायण भी पढ़ेंगे, आप मंत्र भी पढ़ेंगे, और आप जो हैं ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। कई चीज़ें आप इसमें सीखेंगे, इसमें स्किल इन्हेंसमेंट भी है, वोकेशनल कोर्स भी हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर और मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी हैं, ये सब आप जानते हैं। तो मेरा ये कहने का है, अपने भी जो मेरे प्रीवियस के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य आगे उज्जवल है। इसलिए आप इस सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बहुत ही इसमें जो भी सिलेबस है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रखा गया है। ओवरऑल पर्सनैलिटी इसमें डेवलपमेंट होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसा कि विंटर का ये सीज़न शुरू हो गया, और आज आपके 26 अक्टूबर 2022 का ये दिन और जाड़ों के दिन शुरू हो गए हैं, तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ने का। जैसे शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो आप अपना हाथ पांव धो करके अपना पूजा पाठ कर लें, जो हमारे विद्यार्थी हैं हनुमान जी की पूजा करें, या जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप पूजा पाठ, यानी एक परमपिता परमेश्वर, एक शक्ति जो है उनको माने, ठीक है। पूजा करने के बाद आप कुछ देर ध्यान बैठें, उसके बाद अपना हाथ पांव, अपना दैनिक जो भी कार्य होते हैं, निवृत्त होने के बाद आप जो है अपने पढ़ाई के स्थान में बैठ जाएं। 6 बजे से अपने हाथ में पेन रखें और बढ़िया से कॉपी रखें, पेज रखें, जो भी आपका स्थान बैठने का, चाहे आप चेयर में बैठते हों या आप नीचे बैठते हों, जो भी आपके पास साधन है। कोई कुछ साधन भी नहीं है तो आप आराम से नीचे ग्राउंड में बैठ करके फर्श लाख कंबल लगाएं, अपना ब्लैंकेट लगाएं, दरी लगाएं, और अपना कॉपी पेन रख करके बैठना, पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप अपना टाइम टेबल बना लें, शाम को 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा पढ़ें। अब जैसे मैं चूंकि एक साइंस का आदमी हूं, तो मैं तो ये कहूंगा आप 6 से, या जो भी है सब्जेक्ट हैं, आप जो भी हैं, चाहे आर्ट्स हों कॉमर्स हों, अपना एक नियम तय कर लें, ठीक है। तो आप 6 से 7 1 घंटा पढ़ लें, माना आपने पढ़ना है तो 6 से 7 आप जो हैं आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, 1 घंटा आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, और कॉपी भी रखिए और लिख लिख के याद करिए। आप किताब से पढ़ें और उसके नोट्स ही बनाएं, ठीक है। नोट्स एक बार तो आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ताकि जब पूरे अच्छे से नोट्स बन जाएंगे तो बाद में उसी चीज़ को आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो 6 से 7 आपने फिजिक्स पढ़ लिया,
अच्छे से नोट्स बना लिए और पढ़ लिया, याद कर लिया। उसके बाद 7 से 8 आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है। केमिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, रीडिंग मोर एंड मोर रीडिंग अनटिल यू बिकम्स ओल्ड। यानी केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको लिख लिख के पढ़ना है। लिख लिख के खूब पढ़िए, याद करिए, रिएक्शन कई बार आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। 2-3 बार उसको समझिए, समझना भी है आपको। उसके जो मेन जो कॉन्सेप्ट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तो बड़ी जो याद करने की चीज़ें हैं वो आप याद कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। अब आपने कहा मैग्नीज, तो मैग्नीज का सिंबल Mn ही होता है। आपने कैपिटल M लिखा और स्मॉल n लिखा नीचे बगल में, ठीक है। Mn मैग्नीज, मैग्नीशियम कहेंगे तो कैपिटल M लिखेंगे और स्मॉल लेटर से G लिखेंगे, है ना। तो पहला कैपिटल, तो ये चीज़ें याद करने की हैं और समझने की हैं इस तरीके से। उसका एटॉमिक नंबर आपको ये याद करना पड़ेगा। तो मेरा मतलब कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान देना बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो 7 से 8 आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद 8 से 9, इसके बीच में आप 8 से 8:30 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो मैथ्स पढ़ लीजिएगा। 8:30 बजे अपना डिनर हो जाता है, या 8 बजे डिनर होता है, तो अपना डिनर कर लें 8:30 बजे डिनर, उसके बाद डिनर कर लीजिए। उसके बाद अपना अपनी न्यूज़ सुन लीजिए, चाहे मोबाइल से न्यूज़ सुन लें या टीवी से सुन लें, 9 बजे तक अपना न्यूज़ सुन लीजिए, ठीक है। आपकी तो आपकी 6 से 9 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई होगी, बढ़िया। उसके बाद खाना खाने के बाद आप जो है थोड़ा 100 कदम घूम लीजिए। कहा जाता है कि खाने के बाद कम से कम 100 कदम घूम लीजिए, तो आपका खाना जहाँ जाना होगा पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो अच्छे से कैर करने लगेगा। ये बज गया आपके 9 बज गए, थोड़ा आपने घूम लिया। उसके बाद अपना आप आए, फिर आपने जो है फिर अपना हो सकता है यूट्यूब में कोई आप कोई प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, या यूट्यूब में आप जो है कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं सब्जेक्ट से संबंधित। आपने कम्युनिकेशन में देखना है, आपने हाइब्रिडाइजेशन देखना है, आपने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल देखना है, पॉली एक्सक्लूजन, कुछ भी देखना है आपने केमिस्ट्री में, वो आप देख लें वीडियो। कुछ देर वीडियो देखने के बाद फिर अपना आप पढ़ाई शुरू कर दें, फिर अपना आप याद करें, चिंतन मनन करें। तो इस प्रकार से कम 10 बजे तक पढ़िए, तो 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे की आपकी ये पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। 10 बजे जाएं, और उसके बाद जब आप जाएं तो उसके बाद सीधे राफेर भगवान का नाम, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आपने पूरा हमारे ऊपर कृपा की है, आज का अच्छा दिन गुजरा है, और इसलिए हमारे द्वारा जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहिए। ऊपर वाले का नाम लीजिए मन ही मन, प्रणाम करते हुए, ठीक है। बस यहाँ पर प्रणाम करते हुए भगवान का नाम, हे प्रभु, हे परम पिता, जो भी गलती होगी क्षमा करना और हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, ये प्रार्थना करिए। और उसके बाद आप सो जाइए, भगवान का प्रार्थना करते हुए सो जाइए। और फिर आप अपना अलार्म भी रख दीजिए, और कम से कम जब आप 10 बजे सो जाएंगे, या हो सकता है कुछ लोग 11 बजे तक का पढ़ते हैं तो अपना 11 बजे तक पढ़ लें अपना। आजकल तो माइनर है, माइनर सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आधा घंटा माइनर दे दीजिए, 10 से 10:30 माइनर, और 10:30 से 11 जो है अपना मेजर सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, चाहे कॉमर्स में हो या जूलॉजी बॉटनी आपका है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, है ना, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है इनका एक आप उसको डिवाइड कर लीजिए। तो 11 बजे आप सो गए या 10 बजे सो गए। अगर 10 बजे सो रहे हैं सुबह 4 बजे उठ जाइए, 6 घंटे की नींद। अगर 11 बजे सो रहे हैं तो 5:30 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। और जैसे ही आप उठते हैं दैनिक कार्यों में उठने के बाद सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए। पृथ्वी माँ को प्रणाम करने के बाद 3 बार पृथ्वी माँ को छूंगे, क्योंकि पृथ्वी माँ को आप प्रणाम करेंगे क्या होगा, पृथ्वी माँ को प्रणाम, पृथ्वी, पृथ्वी का पुत्र मंगल है, ठीक है, पृथ्वी माँ का पुत्र मंगल है, तो करेंगे तो मंगल आपका स्ट्रांग होगा, मंगल स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, आप साहसी होंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आपका दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगा, अच्छा थिंकिंग करेंगे। जब मंगल उच्च होता है तो आप अच्छा थिंकिंग करते हैं, जब मंगल डाउन होता है तो व्यक्ति गलत दिशा में जाता है, गलत चिंतन करता है। तो इसलिए मंगल को स्ट्रांग बनाए, पृथ्वी माता को उठिए और प्रणाम करिए मंगल स्ट्रांग, उसके बाद हाथ देखिए, ठीक है। ये काम आप बिस्तर में ही कर लीजिए, हाथ देखिए माता सरस्वती का, दोनों हाथों को हाथियों को मिलाइए और ध्यान करिए, अपनी लाइनों को भी देखिए, भाग्य रेखा, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, ठीक है, इनको देखिए और मंत्र बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्म धे सरस्वती, कर्म मूल्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन, इस प्रकार से देखिए। ये बीच वाली ये लाइन जो है ये भाग्य रेखा होती है, ये वाली दिख रहा है बीच में, ये भाग्य रेखा को देखिए, ये जो बगल में ये वाली लाइन दिख रहे हैं ये आपकी जीवन रेखा, इसको देखिए पूरा नीचे तो 2-3 बार इसको देखिए, और ये आपकी हार्ट लाइन होती है, ये दिख रहे हैं बीच में, ये जो मैंने टच कर रखी है लाइन,
ये हार्ड लाइन है, इस हार्ड लाइन को देखिए, ये मैंने बताया ये जीवन रेखा, इसके बगल में ये भाग्य रेखा, ऊपर तक देखिए पूरा, दोनों हाथों को देखिए, ठीक है, ये पूरा हाथ देखिए, ये आपका प्रारब्ध का हाथ है, प्रारब्ध जो परमपिता परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कर्म लाए हैं वही है, ये हाथ आपका स्टैंडर्ड हाथ है, और ये आपका दाएं हाथ है, इससे आपने जो भी कर्म करेंगे ये लाइन ये हाथ में चेंज होती रहेंगी, तो आप देख आप खुद चिंतन मनन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये काम करें, और हाथ देखने के बाद, और घर में अगर माता पिता हैं, सज्जन लोग हैं, उनको प्रणाम करिए, प्रणाम करेंगे तो आपका आयु बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, और लंबा जीवन आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आप पानी पीजिए, तीन कम से कम 1 लीटर 4 गिलास पानी पीजिए, चाहे ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए, बॉयल वाटर पियेंगे तो आप अपने आपको, यू हैव टू हाइड्रेट योर सेल्फ, हाइड्रेट करेंगे तो आपका बॉडी ठीक रहेगा, आपका स्टोमक ठीक रहेगा। उसके बाद पानी पीने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाइए और स्नान ध्यान करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बस उसके बाद जो है फिर अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 4 से 5 ये काम करने के बाद आप अपना बेड फिर से अपना अपने अपने स्टडी रूम में बैठ करके अपनी तैयारी कर दीजिए 5 बजे से लेके। फिर आप 5 बजे स्नान ध्यान होता है तो 5 बजे स्नान कर लीजिए, तो या 4 और 5 बजे के बीच में उसमें ध्यान भी लगाइए, अगर नहाना धोना कर लेते हैं तो पूजा पाठ कर लीजिए, और 5 बजे से फिर अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कम से कम 7 बजे तक करिए, 5 से 7, या 8 बजे तक तो 8 बजे तक कर लीजिए। या अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 5 से 6 आप वॉक करते होंगे तो वॉक कर लीजिए या जिम कर लीजिए, फिर घर आइए, और उसके बाद 6 से 8 तक अपना पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतना ही मैं भी बताना चाह रहा हूँ, मेरी शुभकामना है, इसके बाद अगली वीडियो में आपको बनाऊँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम अपने विद्यार्थियों को बताएंगे, फिर मैं अगली वीडियो फिर केमिस्ट्री संबंधित बनाऊँगा, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल हो, नमस्कार।